हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मोदी, अगर बिल से देश के ज्यादातर लोगों का फायदा है और कुछ को नुकसान, तो ये बिल आएगा ही। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है एंड ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट, उन सब के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा, तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं। देखा, सब कुछ वैसा का वैसा वो है, पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधिरंजन, अब ज्यादा हो रहा है अधिरंजन जी, प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं, और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। इनकी आदत है बार बार इंटरप्ट करना। अधिरंजन जी प्लीज, अधिरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमेशा ही करते हैं। अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधिरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज, ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। बिल्कुल। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते हैं, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, टोटली एग्री करते हैं। ईसा प्लीज, बाद में समय मिलेगा आपको। नो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं,
इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। कि अगर बोल दिया मोदी जी ने तो आप सीधे व्यक्ति है, प्लीज देखा बार-बार इंटरप्ट का मतलब ये कि माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आए, यही तो हम बोल रहे हैं कि बताओ क्या गलत है स्पेसिफिक। इतना ही नहीं, जो जो लोग ये कहते हैं उनको जो बोल रहे हैं उनको बाहर ही निकाल देना चाहिए। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, हम दे रहे हैं, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एकाध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। पीछे शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। ऐसे ही किसानों के लिए, उनकी के लिए है तो बनेगा, मांगा नहीं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। कौन बोल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कितना डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बोल नहीं, हमने पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बिल्कुल ठीक बोलने नहीं दे रहे, कैसे स्मार्ट है, और उनको टाइम मिल चुका है मेरे ख्याल से। कहना जानने दो, ऐसी करेंगे, समझ गए, वो सुनवाना ही नहीं चाहते कि लोगों को पता चल गया तो क्या करेंगे, फिर क्या अब गलत काम करें टेंशन क्रिएट करने के लिए। देखा वापस लोग, वापस लोग नहीं लेंगे, अब तो नहीं लेंगे। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की कितनी गलत बात है, बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी छोड़ के जा रहे कांग्रेस के, उठ जाओ, न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ
वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और ये ही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपए मिल रही थी, किसी को 25 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 250 रुपए, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। बिल्कुल वही कह रहे, मांगना तो हमने मांगा, मुझे किसी भी किसान संगठन ने, इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम है, उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। अब कभी नहीं तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती है। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य हो सकता, संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे शायद जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा, लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट देश में निर्णय जो होते हैं, लार्जर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोला मोदी जी ने, और साफ दिख रहा है जिस तरह से ऑपोजिशन इंटरप्ट कर रही थी बार बार बोल के, उनको बोलने नहीं दे रही, तो मोदी जी काफी बीच में गुस्से में भी आ गए थे, उनको बोल भी रहे थे कि अब बस कर दो, ज्यादा हो गया है। पर देखा आपने कि किस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, और उनको मौका मिल चुका है पहले बोलने का। अब आइए टर्न बीजेपी की, कांग्रेस बोल चुकी है, बीजेपी की टर्न आई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अब बोल रहे हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है दिखाने की कि भाई हमको नहीं सुनना है, आप मत बोलो, मतलब सुनने को भी तैयार नहीं। सुनने की तो इतनी तो आपको होना चाहिए कि आपने बोला, जब दूसरे बोल रहे हैं तो उसको भी आप रिस्पेक्टफुली सुनो। कितनी बार उनको बोला भी गया कि आप चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, और मोदी जी ने साफ बताया कि ये सब आपका पहले से प्री प्लान था कि इसको करना है, और ये मुझे लग रहा है ये भी प्री प्लान था कि हम यहां से वॉकआउट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंटरप्ट किया, बोलने नहीं दे रहे थे, और जिस तरह से बस बोली जा रहे हैं कि वापस लो वापस लो, ये बस मतलब उस टाइप से है। तो अब तो एज हमको सोचना चाहिए कि हमें किसकी साइड होना चाहिए, कौन देश का भला कर रहा है। और उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हो, पर लार्जर कंट्री किसके लिए फायदा है, हमें पूरी कंट्री को देखना है, वो लार्जर पिक्चर देखनी है, और कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। जब वो बोल रहे हैं कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोदी जी ने वही पॉइंट्स बोले जो हमने फर्स्ट, जब पहली बारी इस बारे में बातचीत की थी, फर्स्ट वीडियो देखा था, वही वो ये बोले, उन्हें का सब बोली जा रहे हैं वापस लो या उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, पर किसी से भी पूछो कि कोई एक चीज तो बता दो कि क्या इसमें आपको, उनमें से पूरे में से कौन सी चीज से प्रॉब्लम है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप बस बोलते जाओगे, दूसरी बातें करोगे, पर जो बात बोलनी है वो किसी को कोई बोलता ही नहीं। तो यही उन्होंने कहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, तो कंट्री के लिए वो बेनिफिशियल है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बताओ, उसको बातचीत से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फैंटास्टिक, तो काफी अच्छा वीडियो था, मेरे ख्याल से वही पॉइंट था जो मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से लोकसभा में बात क्लियर कर दी है, और ब्रॉडकास्ट होता है तो लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी है कुछ रिड्यूस नहीं किया, कम नहीं किया, जो भी अभी तक था वो अवेलेबल है,
एडिशनल चीजें डाली हैं, वो भी ऑप्शनल। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जब आपको बोले भाई जो आपके पास अभी भी है वो बाद में भी होगा, सिर्फ और चीजें हमने दे दी हैं जो ऑप्शनल हैं, तुमको अडॉप्ट करनी है करो, फार्मर को उसका फायदा उठाना उठाए, नहीं फायदा उठाना मत उठाओ। बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे ज्यादा कौन समझा सकता है कि जो तुम्हारे को अभी है वो है अभी भी है तुम्हारे पास, अच्छी चीजें कर दी हैं, तुम्हें यूज करना है करो, नहीं करना मत करो। इससे क्लियरली कोई बोल ही नहीं सकता। अब मोदी जी ने क्लियर कर लिया, उन्होंने बोल दिया कि आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं, सच्चाई उन तक नहीं पहुंचाना चाहते, ये आपका प्लान है। वो कह रहे हैं कि एक समय ये गवर्नमेंट जो थी 60 साल से रूल कर रही थी, अब देखो क्या हालत हो गई है इसी मतलब पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। राज्यसभा में एक तरीके का करते हैं व्यवहार, लोकसभा में इंटरप्ट करते चले जा रहे हैं और पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जब उनकी टर्न आई है मोदी जी की तो बोलने दो आप, वो भी बोलने के प्रॉब्लम, क्योंकि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सच्चाई, तो बड़े दुख की बात है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मतलब ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन बिहेव कर रही है, मेरे को लगता है कि और मतलब बुरा ना हो जाए उनके साथ, क्योंकि लोग कहेंगे तो आप तो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप किसी चीज की अच्छाई मतलब नहीं देखना चाहते, वो गलत बात है, कोई और कर रहा है उसे करने दीजिए, आप उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं तो बात अलग है। एक होता है कि भैया मैं अच्छे काम नहीं कर रहा, ठीक है, मगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको आप रोकने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम है। क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, मोदी जी भी कह रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, जब कुछ कट ही नहीं किया, कुछ हटाया ही नहीं है, जो पहले था अब भी है, एडिशनल भी है, ऑप्शनल है, इसके बावजूद अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो गुमराह कर रहा है। और एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा लोगों का, जिससे लोगों का एजुकेशन इतना हो कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए अपने आप लॉ पढ़ के। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।